जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस कंपनी को एनपीएस इन्फोटेक के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली दो नाम है लेकिन काम एक ही है, कंपनी एक ही है। काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई इसलिए इसके बारे में आज इस वीडियो में इस चैनल पर बात होगी, क्योंकि विशेष इन्फोटेक्निक्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा है, इसलिए समय समय पर इसके बारे में बात होती रहती है। देखिए, मैं इसमें बताऊंगा कि इसकी तेज़ी कहां तक पहुंची और इसमें तेज़ी कब बनने वाली है। साथ में जिन जो नया व्यक्ति यदि कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करने की मौका ढूंढ रहे हैं तो उनको उनके बारे में बताऊंगा, और जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है उसके बारे में भी बात होगी। शुरुआत हमेशा एक तरह शुरू से होगी, देखेंगे कंपनी के काम। तो आपको पता है कि विशेष इन्फोटेक्निक्स आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। हालांकि इन दिनों देखेंगे तो टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर में भी कंपनी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो गई है और अपने बिजनेस को विस्तार करते हुए नजर आ रही है। तो देखिए, एक छोटी कंपनी के लिए जब ये कोशिश करती है कि अलग अलग बिजनेसों में मतलब हाथ आजमाए और व्यापक स्तर पर काम करे तो काफ़ी बढ़िया माना जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो विशेष इन्फोटेक्निक्स में वो पावर है कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है और जो बिजनेस कर रही है उसमें भी कंपनी को सफलता मिल रही है। तो काम के विभाग यदि समझे तो आने वाले समय में विशेष इन्फोटेक्निक्स में तेजी बनेगी। ये तो एक पॉइंट हो गया। अब इसके अलावा हम लोग अब चलिए फंडामेंटल देखते हैं, फिर टेक्निकल देखेंगे। तो फंडामेंटल में देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 177 करोड़ के आसपास है, यानी कि छोटी कंपनी है। लेकिन छोटी कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस भी काफ़ी छोटी है, 47 पैसा का, अभी कम हो गया है लेकिन जब लंबे समय में बढ़ेगा तो उस समय कम नहीं रहेगा। हालांकि बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस कम है, ये थोड़ी सी निराशाजनक बात हो सकती है। और दूसरी बात की कंपनी का जो आरओई है और आरओसी है ये अभी देखेंगे तो माइनस में, हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब लंबी आने वाले समय में कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा बेहतर होगा, क्वार्टरली रिजल्ट लगता है अच्छा आने लगेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया हो जाएगा और बाकी काम तो कंपनी का ठीक ठाक है ही, जिसके भी आपके कंपनी के शेयर में आने वाले समय में तेजी बनेगी। तो अभी तक हम लोगों ने कंपनी के काम और कंपनी के फंडामेंटल को समझा। फंडामेंटल थोड़ा सा वीक नज़र आया लेकिन काम बढ़िया है, और काम बढ़िया है तो जब डिमांड बढ़ेगा फ्यूचर में तो फंडामेंटल भी मजबूत हो जाएगा। चलिए टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम लोग कंपनी के चार्ट को समझते हैं, जिसमें समझेंगे कि कहाँ पर नए व्यक्ति को इसमें एंट्री लेने की जरूरत है और जो जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है। तो अभी हम आ गए हैं 1 साल के चार्ट पर। 1 साल के चार्ट पर देखिए, यहाँ पे लंबा ब्रेकआउट हुआ इस कंपनी का तकरीबन सितंबर मंथ में, और ब्रेकआउट हुआ जब भी कंसोलिडेशन में होता है कोई स्टॉक तो उसके बाद सामान्यतः ब्रेकआउट ही होता है, और इसमें भी ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आया, 60 पैसा के लेवल के पास। तो जाहिर सी बात है जब किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेजी बन जाती है तो उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता है, और प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। तो इसमें भी देखेंगे प्राइस थोड़ा सा नीचे आया और अभी इस लेवल के बीच में कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। तो अभी देख रहे हैं कि इस दो लेवल के बीच में स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, और जैसे इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा फिर इसमें होगा ब्रेकआउट, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा होता है तो उसे बाहर निकलता है तो सामान्यतः यही चांस होता है कि उसमें ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट होगा तो फिर इस लेवल के आसपास आएगा 60 पैसा के लेवल के आसपास, और इस बार 60 पैसा के लेवल को ब्रेक करके भी प्राइस 1 रुपए के लेवल तक आपको जाते हुए दिख सकता है। तो जो नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री लेने की सोच रहे हैं उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी यह होगा 50 पैसा के लेवल, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा यहाँ पर आप एंट्री ले लीजिएगा अपनी रिस्क लेने कैपेसिटी के हिसाब से जितना आप पैसा लगाना चाहते हैं। और बाकी जिनके पास पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है उन्हें बने रहने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, इसलिए अभी इसमें से निकलने की गलती मत कीजिएगा, इसमें आप बने रहिए। अब चलिए थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से ये पता लग जाएगा कि कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है। तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स का। सेल्स देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में आपको देखिए तो ओवरऑल बढ़ते हुए ही नजर आ रहा है, पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, और सेल्स बढ़ने के साथ दिक्कत यह है कि कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, जबकि खर्चे कमाई से कम होना चाहिए लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कमाई से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, जिस वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में चला गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि मेन बिजनेस से जो कंपनी की कमाई होती है, जैसे कंपनी आईटी सेक्टर से जुड़े हुए तो आईटी सेक्टर से जो कंपनी की मेन कमाई है वो कमजोर है, माइनस में, और ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें जो टैक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है तो यह भी देखेंगे यह भी माइनस में है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि लंबी रेस का ये स्टॉक घोड़ा है, तो आने वाले समय में कंपनी के जब क्वार्टर टू क्वार्टर के रिजल्ट बढ़िया आने लगेंगे तो जो फंडामेंटल थोड़ा सा आपको वीक नजर आ रहा है फंडामेंटल भी मजबूत हो जाएगा, और जब फंडामेंटल मजबूत हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कंपनी के ऊपर तो कर्जा है नहीं, बहुत कम कर्जा है, और उसके बाद कंपनी के शेयर्स में तेजी आएगी, क्योंकि कंपनी का जैसे मैंने बताया जो काम करती है उसके भी आप पे डिमांड भी बढ़ने वाला है, तो जब डिमांड बढ़ेगा तो शेयर्स में तेजी आएगी, और उसके बाद यदि आप निचले लेवल पर कंपनी के शेयर को उठाएं तो आपको मुनाफा होगा। तो उम्मीद करता हूँ विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।